अभी आएगा. Now it's gonna start. Same meeting. Hi guys. Sorry for the delay in starting this. We had some issues with Zoom, which was streaming in the wrong area. So I hope you guys are doing well. We are on the meeting now, and it is happening in live. So welcome to yourself. Welcome to yourself. Why have you not welcomed yourself? So here's what's going to happen today. This is going to happen. We have three special guests today for you. We have Abhishek Upamanyu. We have who's already here? Abhishek has arrived. See waiting room. Manav Awasthi is also here, who is just here to coordinate. Oh ho! Setting to dekho Abhishek Upamanyu ki. You look like you're auditioning for the role of that Hathoda Tyagi, right? The lighting and everything. कैसा है यार ये कमरा दिया घर वालों ने फॉर क्वारंटाइनिंग देयर इज नो सनलाइट इन दिस पर तुझे अभी कितने टाइम के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा दो हफ्ते ओ सो यू आर इन द हाउस पर मतलब यू कांट टॉक टू एनीबॉडी फॉर 2 वीक्स आई मीन दे आर लाइक हो जाए तो हो जाए मैं अगर नहीं नहीं वैसे यहाँ पे इस कमरे में रह के मुझे कोरोना हो जाएगा वैसे ही बहुत बुरा हाल I'm so happy, you know, to see this is such a weird setup guys it looks like you're in a different time zone jaise hum log india mein baat kar rahe hain you are like in hong kong or something like that par I am in hong kong ha abhi tak to koi aaya nahi hai to we can anyway lie kaun check karne wala hai aage akash mehta who looks like you hey ha fuck I forgot that comparison man ye to I didn't realize only are oh man judwa bhai aa gaya What's up? क्या बोलते आकाश हम सेम ही दिखते हैं यार हम सेम ही दिखते हैं यार और मैं सच बताऊं तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं एयरपोर्ट पे रहता हूं और लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड अभिषेक और फिर मेरे को चीजें दे देते हैं तो मैं ले लेता हूं हाय सुमैरा हेलो सौरव हेलो आकाश सुमैरा एंड मी सी बोथ ऑफ अस लुक द सेम सुमैरा आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी फील इंक्लूडेड इन दिस Abhishek and Akash have this thing ki they both look the same, so now I'm trying to like pretend like we do also. Oh, yeah, they do actually. Yaar, meri bhi gaya kahin waise. Ek bhi hai, wait, one second. Give me a second. Just talk amongst yourself. By the way, tum dekh rahe ho ghar walon ne, main quarantine mein hu Chandigarh mein. Ye kamra diya ghar walon ne, jahan sunlight bhi nahi aati. पहली बार बाल खोल के देखे एग्जैक्टली लाइक द सेम नाउ अब तो हो गया सक्सेस द सेम बार सक्सेस हैज बीन अचीव्ड ये तो अभिषेक तेरी फ्लाइट कैसी थी यार नहीं बहुत बढ़िया थी फ्लाइट उसमें इंडिगो थी और पहले ही मैंने सीट सेलेक्ट कर ली थी 1D तो जब मैं वहां पे एयरपोर्ट पहुंचा तो भाई एयरपोर्ट खाली पूरा खाली एयरपोर्ट मजा ही आ गया सिक्योरिटी चेक पे भी कोई नहीं था लैपटॉप निकाल ले कह रहे मर्जी है मैं क्या कर लू सब खाली लाउंज पता है लाउंज के बाहर एक बंदा खड़ा था वो वाला लाउंज नहीं है जहाँ के लिए आपको अलग कार्ड चाहिए वो जीवी के वहां बंदा खड़ा कह रहा है आ जाओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं आ जाओ कार्ड नहीं कह रहे आओ तो आप आओ एंड दे वर लाइक रियली ट्राइंग टू सेल द लाउंज टू एवरीवन बाहर थोड़ी देर तुम्हें बैठना तुम बैठ जाओ 15 मिनट
पर फ्री में राइट लाइक दे वर नॉट गोना चार्ज यू फॉर इट फ्री ओह तो लाउंज में बैठ गया मैं वहां कह रहे नाश्ता कर लो मैं कहा ये ज्यादा हो गया नाश्ता भी नहीं करना हैंग आउट कर लो यार हमारे साथ हैंग आउट कर लो प्लीज सर चिल कर लो कोई नहीं है यहां पे वो दिन गए जब लड़ाइयां होती थी लाउंज के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको एंड देन व्हेन आई वेंट टू द गेट दे वर लाइक दो बॉक्स थे एक में वो शील्ड पड़ी हुई थी सारी और एक में वो पूरा सूट पहनना था पीपी सो दे वर लाइक मैं कहा ये भी पहनना पड़ेगा कह रहा है आपकी मिडिल सीट या आइल्स विंडो है तो ही पहनना पड़ेगा वरना नहीं हाँ तो फिर मैं तो आइल पे था तो मैंने नहीं पहनी एंड देन दे वर लाइक वी विल अनाउंस योर सीट नंबर तब बैठना आके जो चीज पहले से होनी चाहिए थी 11 सी आ जाओ वो जा रहा है उठ के मैं हूँ क्या बात है 11 सी मिली हुई है उसके बाद एंड में बैठ गया और मेरे साथ भी कोई बैठा हुआ था जो बाय द वे मुझे पहचानती थी वो लड़की पर उसने मुझे पहले पहचाना नहीं क्योंकि मैं पूरा कवर्ड था तो उससे फायदा हो गया और बीच में एक बार मैं वॉशरूम गई मुझे मैं सो रहा था उठा के सॉरी मैं टॉयलेट जा रही हूँ वापिस आई कह रही लिसन आई एम वेरी सॉरी मैं कोई बात नहीं कहीं नो नो आई एम रियली सॉरी दैट आई वोक यू अप मैं कहा बड़ी माफी मांग रही है नींद उठाने के लिए बेचारी बड़ी जल्दी गिल्टी हो जाती है 5-10 मिनट बाद उसने बोला कि आई थिंक यू आर अ कॉमेडियन या यस पर कोई फोटो नहीं हो सकती क्योंकि मतलब मैं इस टाइम तो किसी की फोटो खींच के बोल दो वही था मैं क्या दिख क्या रहा तुम्हें तो देन बस चंडीगढ़ पहुंच गया मैं उसके बाद नाउ आई एम लाइक 2 weeks अब मैं क्वारंटीन में हूं व्हिच माय पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली एट ऑल दे आर लाइक कुछ नहीं होता हमें हमारी इम्यूनिटी बनी हुई है अरे हो गया सच में बिल्कुल डर नहीं है गवालों को लाइक दे हैव नॉट स्केयर्ड एट ऑल मुझे यहाँ के लग रहा है कि मैं ज्यादा डर रहा हूँ मुंबई में बैठ के ना कि ये मेरे आसपास बहुत एंशियस लोग हैं लगता है इतना एंशियस होने की जरूरत है नहीं हाँ लाइक माय डैड इज सो ऑन अनदर लेवल ओनली वेयर इट्स लाइक अभी उनका बिल्डिंग में दे अलाउड पीपल टू गो डाउन एंड ऑल बिकॉज लॉकडाउन थोड़ा खत्म हो गया माय डैड इज लाइक नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं जब ये सब खत्म हो जाएगा मतलब पापा कब खत्म होगा ये 6 महीने और जाने वाले हैं इट्स नॉट गोना एंड माय मॉम इज तो स्ट्रेट अप टेलिंग अस कि सबको होने वाला है तेरे को होने वाला है मेरे को होने वाला है सबको होने वाला है तो उसने वो पूरा अप्रोच ले लिया रोज ऑफिस जा रही है पर ऐसा होने वाला है सॉरी जस्ट बिफोर वी आस्क सम क्वेश्चंस वेलकम everybody to the super chat if you ask questions on the super chat it'll be easier I'll take 1-2 things that people have said which is a you glowing because of eclipse Abhishek Obamani Abhishek. Glowing because of eclipse wow hey but I gotta ask you questions so this flight so you had to wear the full PPE because you were sitting in the aisle aisa hai kya I didn't have to because I was in aisle but the middle seat and window seat happened you were in denial actually तुम कोने में हो तुम पहनो पूरा oh. नहीं पर लॉजिक क्या है इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक इज व्हाट जस्ट लॉजिक तो नहीं पता लॉजिक क्या होता है ब्रो मतलब पहनना सबको चाहिए हाँ एग्जैक्टली आइल पे क्यों नहीं पहना रहे लोगों को लाइक If you think about it, तेरा contact तो हो रहा है ना लोगों से वो आ रहे जा रहे toilet जा रहे हैं यार मेरा हो रहा है exactly contagious लोगों से वो toilet से बाहर निकल के आ रहे हैं और कह रहे कि hello are you Abhishek Upmani touch करके कह रहे हैं यार इसने totally बनाया उन्होंने सही बात है वैसे यार आयल वालों को जरूरी होती है सबसे सब rub करके जा रहे हैं आयल नहीं you weren't on aisle you were in denial woo 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 oh rhyming rhyming नहीं सो ओके सो यू वर इन आइल और फिर मिडिल सीट खाली थी कि मिडिल सीट पे भी कोई बैठा था वो मिडिल सीट पे थी वो फैन पर ये ऐसे कैसे कैसे बोलता है यार डिस्टेंसिंग हो सकती है इतना क्यों गिन बेचारी और चेक दिमाग फटा रहेगा उसका इतना दिमाग फटा रहेगा ब्रो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू फॉर 45 मिनट्स एंड डिडंट रियलाइज वो बाथरूम में सुसु करने नहीं वो मेल्टडाउन करने गई थी I think I'm being a bit presumptuous ki she was a fan. I think she just knew me. like, you know, she like, janti us saala chuti. Janti. Thanks to YouTube algorithm, main janti hu, but... That's where it ends.
तो मैंने ही फैन मार बट आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस फ्लाइट यार मतलब लाउंज में तो तू कौन से टर्मिनल 1 या कौन से टर्मिनल में था हमने सिर्फ टर्मिनल 2 चल रहा है बाय द वे और अच्छा वाला जो है तो वो उसमें लाउंज खाली था पूरा पूरा खाली लाउंज और लाउंज पता उन्होंने क्या कर रखा था एक एक सीट पे लगा रखा है डोंट सिट हियर बगल वाली पे नहीं लगा रखा फिर अगली पे लगा रखा डोंट सिट मैंने कहा अबे सीधा लिख दो ना कि अल्टरनेट बैठ जाओ बोर्ड लगा दिए यहाँ नहीं बैठना नहीं ब्रो जरूरी है इतना तो जरूरी है लाइक बिकॉज़ पीपल आर आल्सो स्टूपिड ना दे आर लाइक यहाँ लिखा नहीं था तो मैं जाके बैठेगा but I'll just two questions. $100 has come. Sumaira ma'am, जानवर की जानकारी video कब आएगा? ये कौन सा video है? जानवर की जानकारी is this new video. It's just me fucking around because I have a lot of knowledge about animals. Because बचपन से I watch wildlife documentary. Actually, I really like it. तो मैं बस बहुत knowledge पड़ी है बस ऐसी. तो मैंने बस अभी ना ये करना शुरू कर दिया videos डाल देती हूँ और उसपे अपने opinions. Because I thought I should write 1 hour of wildlife. So I was like, fuck it up, stand up, पता नहीं कब होगा. So now I'm just doing that. So वो पहला वाला मैंने डाला है, कल आएगा actually, पहला. अभी तुमसे डाल देता हूँ पहला. Thank you so much. नहीं तो it's what it's footage of animals and then you're commenting on it. Yeah, I have a lot of opinions. That's all I have to say. You don't worry. उनके उनके वो प्रजनन पे प्रजनन करते हैं नर और मादा. वो वाला. प्रजनन प्रजनन is sex or what? Yeah. I like how so excited he got. Yes. जानवरों का यौन संबंध. It is about how they're resilient and better than human beings. That's all. That's like the bottom. Dude, every animal documentary I ever see, like Planet Earth, Blue Planet, ये वो जो भी है, उसका first 75% best रहता है कि इतना मस्त दुनिया देखो देखो देखो, फिर last 25 तक हम बोलता है, और ये सब चीजें अब खलास हो गई है due to global warming. Yeah, polar bears are happening. So it's like, where the fuck am I going to go see a polar bear? I go like live dikha versus I saw telecast. So this is an opinion I can't express in public because people will be like, sala, teri wajah se ye sab chal raha hai. Dude, so yeah, Akash Gupta had released a video, no? Abhi, नहीं बोलना आकाश. नहीं कि ऐसा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये थॉट कि सौरभ पंत ने एक चीज बोला यूट्यूब लाइव पे और फिर ऐसा सब लोग ऐसा पांडा बिंडा पोलर बेयर सब लोग को डंडे से मार रहा है डिड यू नो ऑल द पांडास इन द वर्ल्ड आर ओन्ड बाय चाइना या एंड चाइना यूजेस देम या एंड सो दे डोंट दे लीज यू अ पांडा और दे गिफ्ट यू अ पांडा बट यू नेवर ओन इट सो एट एनी पॉइंट चाइना रिजर्व्स द राइट टू कम टू यू एंड से कि ए मेरा पांडा वापस दे और फिर देना पड़ता है आई थिंक आप चाइना को हम मना कर सकते हैं पांडा हमारा है आई डोंट थिंक इंडिया में एक भी पांडा है आई थिंक जू में होगा आई एम नॉट टू श्योर बट इफ यू हैव इट ऑन द जू तो तुम्हें चाइना को टैक्स देना पड़ता है Like, पूरे साल का यू हैव टू गिव देम कितने लोग विजिट भाड़ा रहता है भाड़ा एंड भाड़ा देना पड़ता है पांडास का आल्सो पांडास आर नॉट सपोज्ड टू सर्वाइव दे आर लाइक हम ह्यूमंस वी आर मेकिंग देम लाइक बेसिकली लिव बिकॉज़ दे आर वेरी वीक दे शुड बी लाइक एक्सटिंक्ट बाय नाउ या लाइक दे शुड दे डोंट इवन दे आर नॉट इवन मोटिवेटेड इनफ टू हैव सेक्स दे हैव टू बी रियली कोक्स्ड इनटू लाइक कि करो ना यार थोड़ा या क्या मतलब वो लोग नहीं है सेक्सी क्रिएचर्स लाइक वो लोग yeah, they don't have the resilience to like I want to live. Like तले हो गया यार हमारा. तो पहले अब तक कैसे चल रहे थे? हाँ पहले उनका. हमने इंसान ने चलाया, Chinese government ने चलाया उनको. जबरदस्ती सेक्स करवाया? Yeah. मतलब in a way हाँ मतलब artificial insemination करते रहेंगे पता नहीं. तो अगर जो हम पहले कर रहे थे वो हम आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर रहे हैं ना. ये जिंदा है वो लोग लाइक पांडास आर लाइक वो घर पे ऐसा वो डेकोरेटिव चीज रहता है ना ऐसा उनके लिए इट्स लाइक अ थिंग दैट दे जस्ट या तो शुरू से इनका सेक्स का मन नहीं था कोई और इनसे सेक्स करवा रहा है हां काफी काफी सालों से
Yeah. उन लोग ने पैंडा पॉन भी ट्राई किया ना एक बार, they showed videos to pandas of other pandas mating, like they would go like, अरे हाँ ये तो हम भूल गए थे, and they would do it. And I'm like, that's not gonna induce you. Just get a couple of CGI pandas to do math, no, then and see if the pandas pick up on some math skills also. Yeah, but pandas are not very attractive, yeah. They have too much fur. Like pandas are cute. They are cute. Like you'd be like, I'll go on a date with a panda, but like, उसके बाद I'm not sure. Saurabh, you don't have to fuck a panda. A panda has to fuck a panda. Yeah, and mind you, you don't have to. Okay. पर देखो अभी दिल चाहता है तो क्या कर सकता है आदमी. Panda बोले cuddling के लिए बहुत अच्छे रहेंगे ऐसे. Just सोने के लिए. हाँ. Panda का coat beat बनाने को best रहेगा because soft soft रहता है एकदम. तो सुमारा तेरी वीडियो कितने मिनट की है जो कल वो जो जाने वाली है? Are you 1.5 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं. 1.5 मिनट देखेंगे. हाँ, 1.5 या 2, that's all. ऐसे मतलब 6-7 होगी, बहुत मतलब all different animals, like one animal, my opinions on them, like panda के जैसे मैंने कहा अभी, और फिर ऐसे. कल वाला एपिसोड कौन से जानवर पे? यार मैं बता दूँ तुझे, ठीक है? मैं मैसेज करती हूँ, सरप्राइज गाइस. पता है तो सारे एक बस उनमें से एक कॉमेडियन पकड़ लेना एक जानवर में. आज का जानवर है लास्ट वाला. ओ अच्छा है. डिस्कवर तो क्लिप्स कहाँ से लिए यार? वो तो चुरा ली मैंने. मैंने चुरा ली. एडमिटिंग टू थेफ्ट. ऑफ कोर्स वो तो जोक थोड़ी चुराया है. सही बात है, सही बात है. यूट्यूब कहेगा कि निकालो तो निकाल देंगे. कौन नहीं, कॉपीराइट क्लेम कौन करेगा? जानवर. Exactly. Just a panda in China going like, "Hey, mera video churaya. This is my porn. How have you stolen it?" Haan, main news pe. Usse kuch upload kar di. Chalo, super chat pe ek sawal aaya, which is how difficult is it for a comedian who needs live audience to maintain the same level of income? Oh ho. और ये सवाल सर ने पैसा देके पूछा है तो जवाब भी देना पड़ेगा कि 100 रुपए दिए इसने. हम लोग यूट्यूब लाइव करते हैं भाई पैसे के लिए. ए, पर आकाश तो छाप रहा है यार. आकाश 5:30 बजे सुबह उसने कुछ यू डिड सम शो फॉर द यूएस और समथिंग. क्या था ये छाप रहा है? इट्स सच अ लाइक अ इट्स अ मैलिस फिल्ड वर्ड, यू नो. ऐसा नहीं कि कमा रहा है, छाप रहा है. इट्स ऑलवेज लाइक दिस. आई डिड अ शो फॉर यूएस टाइम. सो आई वोक अप एट 5:30. द शो स्टार्टेड एट 5:30. आई वोक अप एट 5. अभी एक ही स्किल सेट आता है जोक्स बोलने को, तो अभी वही करेगा ना आदमी. अबे तू सुबह ही उठ सकता था तो कॉमेडी क्यों कर रहा है? तो पता है ये 11 बजे था और मुझे 2 दिन से इसको हाँ बोलते मैं रिग्रेट करने लग गया. बट डू यू फाइंड दैट आर यू रियली अ मॉर्निंग पर्सन? या आई रियली एंजॉय द मॉर्निंग्स. दैट लाइक यू कैन गेट सो मच डन इफ यू वेक अप अर्ली. सुबह से कितना सारा काम किया है तुम लोग को आइडिया नहीं है. मैं मेरा चिलीज को वाटर, मेरा सब प्लांट्स को वाटर किया है. मैंने मेरा चिलीज का सब पॉट आ गया है तो अभी मैं उनको ट्रांसफर करके इंडिविजुअल पॉट में डाल. मैं बहुत ऐसा खुद के साथ में ऐसा एकदम मस्त बिजी रहता है. मॉर्निंग्स आर बेस्ट ब्रो. आकाश में लाइक इट हर्ट. ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस नहीं हूं. लाइक मैं बहुत मजे करता हूँ यार अपने साथ. मैं सुबह उठ के चिलीज को पानी दे रहा हूँ. मैं नहीं मारने वाला अपने आप को, डोंट वरी. यस दैट इज एग्जैक्टली. आई फाइंड डू यू गाइस आई डोंट नो लाइक एज द रेसिडेंट डिप्रेस कॉमेडियन इन द मुंबई सर्किट आई फील लाइक व्हेनेवर समवन किल्स देमसेल्व्स आई एम द वन हु गेट्स मोस्ट ऑफ द मैसेजेस ऑफ जस्ट स्ट्रेंजर्स सेइंग आकाश प्लीज आई लव यू. Last week, I got so many unsolicited messages saying, don't kill yourself. I was like, ab to karna hi padega. Achha, jo cheez mana karenge, wahi karenge. Ye bhi ek mental health problem hi hai. Thoda to juvenile. Nahi, yehi problem, mere therapist ne bola hai, meri bhi yehi problem hai. Ki jo tumhe cheez mana karenge, tumhe wahi karni hai. Exactly. Although ye problem teenagers ki hoti hai, is umar mein theek nahi lagta ye sab. But... Are, chalta hai abhi, koi kisi ko pata nahi chalega. ठीक है, तू तो शर्म नहीं आती यार. But this continues even now. I realize that I don't know if this is the streak with all comedians where it's like उल्टा ही करना है. तो मेरी वाइफ आके मुझे बोलती है कि एसी ऑन कर लो और मैं करता हूँ. And I wanted to be that ये मेरा आइडिया था. Even switching on the AC, it's so petty.
शी इज लाइक कर लिया लाइक हां मेरा आईडिया था मैंने सोचा था आईडिया था एक आईडिया है अच्छा पैसे कमा रहे हो आप लोग मैं तो नहीं मेरा हो गया पैसे यार मैंने पहले से राइटिंग में इन्वेस्ट कर लिया था तो मैं स्टैंड अप से वैसे भी मैंने कभी कमाया वेरी वेरी गुड मूव मैन आई थॉट कि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट ये तो नहीं रुकेगा तो राइटिंग तो कर लेती हूं बस वही नहीं नहीं मैं तो अपने पापा से तमीज से बात करने लग गया हूं मैं तो उस दिन वापस आ रहे हैं जब मैं फोन करूंगा 10,000 भेज दो होने वाला है क्योंकि मैंने पहले सेव नहीं किया और जो बाकी थे वो लॉक हो गए पैसे तो आप मेरे पास जो बचे हैं वो 6 महीने में खत्म हो जाएंगे 6 महीने तक मैं ठीक हूँ 6 महीने के बाद That's not bad. That's pretty good, dude. That's not bad at all. मेरे को ऐसा कभी-कभी वो टार्जन जैसा फीलिंग आता है हर महीने में ऐसा एक वाइन छोड़ रहा है और फिर अगला वाइन पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा मेरे को लास्ट सेकंड तक थोड़ा डाउट जाता है और फिर ऐसा पकड़ ले बोला हाँ चलो एक महीना निकल गया फिर अबे तू बॉम्बे में रहता है तुझे क्या है बे तुझे क्या है बे मतलब बॉम्बे में रहता तो खर्चा ज्यादा होता है कम नहीं होता है ब्रो में ज्यादा खर्चा तू कभी भाजी नहीं है मुंबई में वर्सेस अमृतसर में कितना प्राइस डिफरेंस फाइट कर रहा हूं मैं रेंट दे रहा हूं हां मनी अटक गया अबे रेंट तो देना नहीं तुम्हें तुम्हारा खर्चा क्या है अरे रेंट नहीं दे रहा पर घर खर्चे में मैं हेल्प करता है फिर मैं सैलरीज देता है 2-3 लोग का वीडियो एडिटर है लसुन का साउंड एडिटर है लसुन का फिर उत्कर्ष है मेरा मैनेजर है फिर पाल है जो सब इवेंट्स देखता है एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक दे आर ऑल लिविंग ऑन रेंट सो दे नीड देयर मनी फुल नो एवरी मंथ दीस आर कॉस्ट सडनली नाउ ऑल ऑफ अस आर लुकिंग एट यू विद लाइक सम क्या बोलते हैं रेवरेंस अभी लाइक तेरी सीट का जो साइज है वो बढ़ गया वी आर लाइक शिट मैन वेट लेट मी पुट इट इनटू यस नाउ दिस इज सो मेरे योर नेक्स्ट वीडियोस डिसाइडेड आकाश मेहता चेयर आकाश पर सुमेरा सो योर लॉट ऑफ राइटिंग वर्क इज हैपनिंग व्हाट राइट नाउ अभी चल रहा है क्या कुछ ब्रांड्स उनके पास से पैसा हमेशा होता है पता नहीं कहाँ से तो वो तो दे ही देते हैं पैसे कि करो 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 देखेंगे हम भी सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग आई डोंट नो इन द फ्यूचर व्हाट लाइक फ्यूचर होल्ड्स बट आल्सो द थिंग इज दैट वी लाइक दीस आर लाइक द टॉप कॉमेडियंस यहां पे इस लाइफ पे एंड दे आर सेइंग पैसे खत्म होने वाले सो दिस इज अ गुड मैसेज टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू गेट इनटू कॉमेडी यू नो कि सबको लगता है कि हां हो ही जाएगा बट नहीं हमारे इनके पास या गेट इनटू कॉमेडी I have savings, man. Save early. Like, I'm so glad I had mutual funds. Varna to mera gaand phat jata ye time pe deal. I'm glad ki maine tour 2 mahine jaldi kar liya. Agar late hota 2 mahina mein, to main kangal hi the. Actually, mera bhi wo ek luck tha. Wo pura hai na December, November, December, Jan, Feb and March first half ka jo ticketing payment hai, wo jo apna favorite ticketing partner hai, usne diya nahi tha 5 mahine se. और वो लोग ने पूरा ट्रांसफर किया एट जस्ट एज द लॉकडाउन स्टार्टेड लाइक ऑन डे 3 ऑफ द लॉकडाउन वी गॉट ऑल 4 months ऑफ मनी सो मैं जो 4 महीना एकदम ऐसा जुगाड़ के निकाला वो अच्छा पड़ा बिकॉज लाइक ऑल ऑफ दैट इज लाइक हेल्प थ्रू द फर्स्ट फ्यू मंथ्स वी डिडंट हैव टू कट सैलरीज फॉर मोर देन 2 months आल्सो आई वाज हैप्पी डूड आई समबडी आस्क्ड मी दे लाइक हे विल यू राइट एन आर्टिकल फॉर अस एंड आई एम लाइक कितना दोगे एंड दे लाइक 5,000 रुपए आई एम लाइक ऑफ कोर्स मैं तो 4 लिखूंगा लिटरली मैं 1 लिखा उनके लिए एंड इन वेंट ऑफ वेल आई एम लाइक कैन वी डू दिस वीकली एंड दे आर लाइक कितना डेस्परेट है Well, but that's one comfort I felt. Like my bhabhi, you know, I was in the beginning of the quarantine, I was really panicking and my bhabhi said ki, okay, what's the worst that will happen? And then we played that game, you know, where you just like, what's the worst? And in the end also, it's not so bad. Yeah. No, like, I just feel like I've been where I was broke and trying to make a living from comedy before. I'll just do it again with Zoom shows, right? Like, yeah. So, theek hai, itna itna dar nahi hai. Yeah, to you, nothing can happen. Tujhe kya hai, bhe? Tum karta rahe. Experiment jo marzi. There's a thing called Bombay privilege. Do you know about this? Of course. What is Bombay privilege? Bombay privilege is ki aapko comedy mein rehne ke liye rent nahi nikalna. Jo bahar se hain unka Bombay aane mein hi pehle ek alag level of income chahiye sirf Bombay pahunchne ke liye. Ududeja
मिखाइल की टिफिन लेके जा रहे हैं, मैं कहा टिफिन अभी भी ये 25-25 साल तक मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो ये तो बहुत ही, फिर बॉम्बे वालों को है किस्मत है, मतलब ये नहीं बहुत स्पेस का सीन नहीं हो जाता फिर मॉम डैड के साथ? महीने का 60,000 देने से तो बेटर ही है ना। What is the valuation of your peace of mind? 60,000 से तो कम है। 100%. Dude, I have to pay EMI. I was discussing this with one comedian. I don't know if I should name him. तो मैं, तो लोग मुझे फोन कर रहे थे about investments and all that stuff because मैंने बहुत किया है. And somebody was like, hey, where do you invest? I'm like, listen, property and mutual funds and blah, blah, blah. Yeh sab chal raha hai. And he's like, no, man, I'm going to keep my money in a fixed deposit, which gives 3.5%. I'm like, chut ya, sala. And now I'm like, you're a genius, yeah? This is a great investment. Comedian guess karein, teen guess karein. Haan, zarur. Done. Pehla guess, Atul Khatri. Atul itna chota hai, itne chote hai. दो बाकी हैं। Wait, can you repeat this from the beginning? What was the statement the comedian asked you? We were talking about finance and we were talking about investments and the comedian is like, no, I'm just keeping my money in fixed deposits which are giving me 3.5%. Oh. Mega school. This could be a Abhijit Ganguly thing. हाँ सर। Okay, two guesses down. Abhijit Ganguly and pehla kaun sa tha? Atul Khatri. It was wrong. Atul to chance hi nahi hai. Atul to sabka. So mera and Abhishek both guessed Atul. No, I said I want to say Sapan. I want to say Sapan. No. Sapan is like Sapan is. ho gaya abhi panch ho gaya. Ho gaya. I'll tell you guys in the private chat. God damn it. अच्छा तो वी गॉट कनेडियन डॉलर्स, समबडी आस्क्ड कनेडियन पैसा मिला मस्त, आई डोंट नो हाउ मच, ये दिखाई नहीं दे रहा, बट रिव्यूज ऑन शपेल्स न्यू सेट वाज इट कॉमेडी? कोई देखा क्या शपेल का नया सेट? मैंने एक्चुअली नहीं देखा, उपमन ने देखा, बिल्कुल देखा, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया था, मतलब बहुत ही सही था यार, funny nahi tha, but like it, you couldn't, like that's the thing with Dave Chappelle, he doesn't have to be funny anymore. I don't think he was going for funny also. Yeah, that's just a testament to how good a comic he is, that he can go on stage and just be serious and that's okay. Bahut hi badhiya tha, mujhe to bahut badhiya laga, matlab main to aise wo ho gaya tha ki like mere to desh mein black logon ki problem hai bhi nahi, mujhe fir bura lag raha tha, main kaha bichare matlab hai problem but matlab it I mean, I was like, yeah, Black Lives Matter now. I can feel it. Black Lives Matter. Till Dave Chappelle didn't say it. I was like, jo bhi hai, hamein thodi matlab hai. Now I was like, oh shit. So, wo hai. Kafi achha tha, yaar. Mujhe to bahut badhiya laga. Aur hai bhi like 27 minute ka tha. And he was doing it like shuru mein na, aap dekhoge to wo sabke temperature check ho rahe hain. Sab dur dur bitha rakhi audience. Do. Aur wo mask ka to unke hansi ki awaaz nahi aa rahi. आप शोज किधर हो रहे हैं? चंडीगढ़ प्रिविलेज ग्रीन जोन प्रिविलेज
Yeah, so first you like actually. Well, who gives a fuck about the quarantine really here? Like, I don't think anybody gives a shit because the way. You know, a friend of mine came in from Delhi and usko quarantine karne ko bola 14 din and then nobody cared, like building wale log, nobody cared. So she has been allowed to roam around. I went to Gujarat to get mangoes and they asked us ki, you know, they checked our temperature at the border and said ki kahan se ho, Mumbai se ho, theek hai, kya karne hai, aam lene hai, koi baat nahi, ja sakte ho, 4 baje ke pehle wapis aa jana, varna 14 din quarantine, okay? So me and my driver, we both went. So we were sitting in the car and as we were crossing that thing, we both looked at each other and we thought to ourselves, isne na mera mobile number liya hai, na license liya hai, na mera gaadi ka number liya hai, na kuch nahi liya hai, to isko kaise pata chalega main 4 baje niklunga ki nahi niklunga. True. But also to Gujarat, aam hi nahi gaya tha. Kyunki aam organic wale aam hote hain, hamare pakte hain, to jaldi pak jate hain. So agar leke na aur distribute na kar do to fir waste ho jayenge. Oh, makes sense. And it's a lot of fun to give the mangoes to friends and all. So it's like a family thing now. You know how China has pandas, right? The idea of fun is very fun. मैं वेट कर रहा हूँ. मेरा प्लान भी बहुत सिंपल है. ये सब नहीं चला था तो जाओ आम का. Dude, Akash, you should do this for when live shows start. You should do a thing where it's like if there's like 399 rupee tickets and then 499 which includes one arm. You'll turn book my show into like grofers.com. It'll be great. भाई देख ऐसा कभी नहीं करने का बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टैक्सेबल एंड दिस इनकम इज यू नो अदर इनकम हैज जीएसटी अप्लाइड ऑन इट सो आई एम नॉट पेइंग जीएसटी ऑन सेलिंग मैंगोज प्लस ये सब बी2सी में नहीं पढ़ने का ब्रो मैं ये लास्ट 2 महीने से सब रिसर्च कर रहा हूं नहीं करने का ये सब अच्छा कोई कोई हां बोल बोल सर नहीं आई मीन इट्स लाइक आई हैव बीन सो यू नो I started off with wanting to grow chilies at home because I was like, everybody's growing chilies and everybody's cooking at home. So somebody needs to grow the food that they're going to cook. Otherwise, you know, what the hell? And then I started, and my cousin is into hydroponics. Okay, Surat mein rehta hai wo. Toh main uske saath bahut chill karta hai, baat karta hai. And wo jo family ka plot of land hai, udhar aam ugte rehte hai. So then I was like, okay, now how to convert this into a profit-making business? So that I don't, because my logic is agar udhar se bhi aisa thoda paisa aa gaya, fir comedy se thoda paisa aa gaya, fir sab sahi hai. Fir aisa private show karne ka zarurat nahi hai. Warna fir private show, batao na kitne ma anniversary hai, kitne ma birthday hai, ye sab karna padta hai, wo sab nahi karne ka. Usse acha aam bechu main. Usse acha aam bechu, sahi baat hai. Private show se acha aam bech lo. Agree. Dude, it's a great strategy. मैं आकाश से बात कर रहा था. He's like, teach your children how to grow karela in the house and fire. Like, what are you talking about, dude? Yeah, he's like, I'll give you full strategy. He's making bonsai mangoes. He's telling me that. What is that? You're telling me some bonsai ka mango to banana. What is the bonsai thing? Mango tree and a bonsai banyan tree. But those are like a 15-year plan, man. They take a lifetime to make. So it's a slow thing. But it's a very patient, like it's a very, like it's a learning, like Japanese people have got it right. Okay, Japanese log jo bhi karta bahut mast banata hai wo log. Like they have this culture of just involving yourself with one thing and then working on it and perfecting it and doing everything else as an ancillary way to get better at this one thing. Yeah. Like for me, like joke writing is that one thing and then Aam will ancillarily help me write jokes. Like bonsai tree ka roz khayal rakhna is like a physical act of repetition that gives you some sense of discipline and diligence and then you sort of apply that learning to comedy. Aisa kuch plan hai. Dekhenge, agar fail ho gaya to phenk dene ka. So Japan ka, mujhe abhi bhi pata laga, Japan mein pata hai, cuddling cafe hai. Kya cafe hai? Cuddling cafe. Cuddling cafe. Because wahan pe logon ko man wo nahi karta, unko chahiye koi jinke thoda kar sake wo. Families for hire also. If you're feeling really, if you don't want to go with your actual family, you can hire a full family to go for a social event with you who have better social skills than your family. And I'm like, can you imagine? That's so great. If your parents find out, they're like silent around.
वो वाले पापा बड़े अच्छे हैं, जो बोलता हूँ ले देते हैं। Talking about people giving money for hire, Neeraj Krishnan has given $4 for no reason. And thanks a lot, Neeraj Krishnan. And Kunal Rao is asking, what is this live about in the comments? I don't know whether Kunal this Rao, makes us first Beroshka. You have to explain what is live to Kunal Rao. Yeah. What is Kunal Rao? Kunal Rao baith ke live dekh raha hai pehli baat to. Kunal, like, I really like Kunal, but honestly, मेरे को कभी कभी लगता है कुनाल ढोंगी बुड्ढा है. Like, मतलब तुम्हें मिलके नहीं लगेगा कि वो ओल्ड पर्सन है, पर उसका फिर बात करेगा ना म्यूचुअल फंड का, तुम्हें लगा आए अंकल निकल के आया. ऐसा लगता है कुनाल और बच्चों को पूछता है, और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में. और बच्चे को ऐसा डिसीव्ड फील होता है, बिकॉज़ ही इज लाइक, अरे आप तो चिल थे, आप तो टिकटॉक बनाते हो, ये कहां से आ गया सवाल. Somebody is given money to ask. Soundbox is given $2.79 for some reason to talk about Delia's accusations. Have you been following the story? Actual allegations. मज़े आ गए. यार आप मुझे पता लग रहा है उसने यू का ऑडिशन कैसे क्लियर किया. इसका ऑडिशन यू. यू. शो. अच्छा वो मूवी में है वो. उसमें वो वही बनाया पेडोफाइल. Oh. Underage girls को उसमें भी करता है, फिर उसने वही कर दिया असली में भी. Oh fuck. मतलब पता क्या? तो उसका वो सीन था ना, वो लोगों को गिफ्ट नहीं हो रहा था कि मैं इसमें ये करता हूँ. यार. तू तो बेड से find about. Yeah, Chris D'Elia, they're like, bye. Chris D'Elia, bye, bye, bye. Hey, but uska he's... Headline say ban. Dude, my favorite thing is that when they start saying ki all the comedians knew, I'm like, dude, we are not following each other for 24 hours in a day. Like, if Sumaira gets named in the Panama Papers, I'm not going to be like, arey, mujhe malum tha. Like, this is how, we are not like... Just because we have the same industry doesn't mean we know the terrible things. Like Akash is a smuggler. Everybody doesn't know this, right? No, you have to. That's where the depression comes from. I constantly feel guilty about the smuggling, and then. Depressed. No, but actually, but a lot of there are some clips where there are these. Who? कौन से दो radio वाले वो जो podcast करते हैं? They are constantly referring to those as jokes. Yo, 17 साल से वो है तो क्रिस डिलिया वो करेगा, and like don't be a snitch. So there are some people who actually do. Yeah, उसके दोस्त. उसके दोस्त. अरे but that video is taken out of context. That is what I find interesting about that video. So I was trying to listen to all these different podcasts. I happened to listen to that one episode. So उसमें the joke that they were doing was that they were creating fake stories across episodes about different comedians. तो एक उन्होंने किया कि जो रोगन ही स्नॉट्स लावा लैम्स एंड ये सब लाइक जस्ट टू मेक इट लाइक क्रेजी एंड ही हैज फोर आईज एंड ये सब सो दिस वाज देम व्हाटएवरिंग नाउ आई डोंट नो कि जोक बोलते समय कुछ सच निकल गया एंड दे न्यू अबाउट इट ये सब मुझे नहीं मालूम बट आई रिमेम्बर दैट ओरिजिनल बिट वाज एक्चुअली देम फकिंग अराउंड आई डोंट नो इफ इट यू आई लाइक तो ऐसा डोंट बी अ स्निच कौन बोलता है यार सौरभ नहीं मैं सोच रहा हूं दैट्स अ वेरी गुड वे टू आउट समवन हे लेट्स से फोर रैंडम क्रेजी थिंग्स Saurabh can fly, Sumaira can swim for 10 hours, and Akash sells drugs. ये तीसरा वाला it was काफी real था. I feel they were fucking around also. I think artist वाली बात हो गई होगी कि ऐसे झूठ बोल के सच बोल देते हैं. तीन स्लाइड जोक हो जाएगा. आपको जोक कर रहे थे, बाकी तीन भी तो झूठ बोले. ये क्या झूठ है? मजे आ गए. But I think like a lot of the podcasts and all they have this thing where जैसे हम लोग green room में बात करते हैं which is quite different from what we talk publicly. उन लोगों की green room वाली बात they record. So sometimes the kind of shit they I'm like they'll make a joke and they're laughing and I'm like are you guys crazy or like. But freedom of speech leads to some very weird things also. That is a given, no? Sometimes I feel like I've just been lucky enough कि 2015-16 में मेरी बातें कोई record नहीं कर रहा था. मैं सही बता मुझे बस ये लगता है मैं जस्ट टाइम पे बच गया
अगर 2014-15 मेरा पॉडकास्ट होता ना तो अभी वही मेरे आ रहा होता पीछे, क्योंकि उस टाइम यही बातें बोलनी चाहिए पहले ही सुन लिया मैंने, हो नहीं बोलनी चाहिए तो तब तक मैंने इंटरनेट पे ही डाला यार बट सच में डू यू रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू जोक्स दैट एनी ऑफ यू रोट वेयर यू आर लाइक कि मैं क्या बोल रहा हूं गौरव कपूर इज हियर एंड गौरव कपूर इज सेइंग ही इज गिवन 200 रुपीस गौरव कपूर अपना गौरव कपूर टू से उपमन्यु मैं चंडीगढ़ में ओपनिंग एक्ट कर लू 200 रुपए दे के बोल रहे पैसे दे रहा है। एक दिन गौरव कपूर ने मैसेज किया कि ओए मैं ओपन कर लूं मुंबई में ऐसा कुछ कोई ट्रायल शो, मैं कहा हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा फिर मैसेज किया कह रहा है मैं इसीलिए आ रहा हूँ मुंबई इतनी का कमी हो रही स्पोर्ट्स की भाई दिल्ली से बॉम्बे आ रहा है ओपन करने के लिए कह रहा है देना मत किसी को, मैं कहा हाँ पक्का मैं तो जिस दिन कॉमेडी करना शुरू करूंगा ना सारे कॉमेडियंस बेचारे बहुत जलेंगे रोज वीडियो डालूंगा मैं रोज enjoying live stand up not as good as zoom call but still managing you know just hearing you say that I already hate you a little bit yeah like achha hua iski khidki nahi khuli no sunlight he has to suffer he does stand up main bas itna kahunga ki dekh abhishek agar paise waise aa rahe fir se mom dad ke sath reh raha hai to thoda chikku khareed unke liye nariyal khareed ha main bhijwa sakta hai mera truck wala चीकू नारियल पपाया भी उगाते हम लोग और लेमन ग्रास भी अच्छा सुनोगे पुराने जोक्स हाँ हाँ गो सॉरी वन सेकंड एक सेकंड इसके पहले आई जस्ट हैव टू एक्नॉलेज वन सुपर चैट ईशान महाजन गिव्स $2 टू से मेहता को पूछो मंगेश बिल्ली का करियर खत्म आई डोंट इवन नो मंगेश बिल्ली तेरी बिल्ली का नाम है रेफरिंग टू द क्रिकेट स्ट्रीम्स दैट आई डू व्हिच हैव बीन ऑन पॉज आई हैव बीन डैम डिप्रेस्ड मैन सो आई विल स्टार्ट देम इन अ कपल ऑफ वीक्स लाइक वंस आई फील लिटिल मोर अप टू इट बीच में इंटरनेट भी नहीं था अच्छा चलो अभी पारसी इनब्रीडिंग है कि नहीं बाय द वे दिस इज द थिंग फ्रॉम द जून 2012 का व्हेन आई हैड डन माय फर्स्ट लाइक व्हेन आई वन माय फर्स्ट ओपन माइक कॉमेडी स्टोर तब का शेड्यूल है इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन सीइंग Who was on at that time? Tumhara tab to school mein thi na? Yeah, main haan. Well, main college mein thi. Aur I remember pehle open mics jeet sakte the tum. Ab jeet nahi sakte ho. Ab bas tum haar hi rahe ho. Okay guys, so June 2012. Okay? The first weekend before you begin these jokes, I just want to say that none of us stand by these jokes that you're making. रजनीश कपूर कुणाल राव एंड नेविल शाह ऑन वन लाइनअप देन वी हैड अनुभव संदीप राव रोहन जोशी ओपन माइक नाइट विद अदिति न्यू स्टफ विद डैनी संदीप राव केशव नायडू यू रिमेंबर केशव नायडू मैन आशीष शक्या तन्मय भट्ट साहिल शाह अभिष मैथ्यू वरुण ठाकुर दिस वॉज वन हेल ऑफ अ वीकेंड लाइक अ मंथ टू गो फॉर अ वीकेंड एट कॉमेडी स्टोर डूड हसी के बादशाह विथ ऑल ऑफ द गाइज फ्रॉम कॉमेडी क्या है वो लाफ्टर चैलेंज ओ मैन दिस हैज मिकी हटन साइमन बी कॉटर यू गाइज नो दिस गाइज यूके वाले कॉमिक्स मार्कस बर्डमैन उस टाइम पे ये लोग आते थे दे यूज्ड टू कम फ्रॉम द यूके एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बी रियली इंप्रेस्ड आई रिमेंबर द आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर द स्टोरी तो जो कॉमेडी स्टोर शुरुआत में व्हेन इट लाइक वाज बिगिनिंग टू डू प्रॉपर शोज एंड ऑल देयर वाज वन गाय हु वाज इन अ हवाईयन शर्ट इन द फ्रंट रो एंड द कॉमेडियन पिक्ड ऑन हिम एंड दिस गाय क्रिएटेड अ बिग फ्यूरोर और पेज 3 में आया where a patron at comedy store feels some shit and then they had to explain to people ki bhai it's a comedy show and the guy kept talking back to him so initially there was a lot of all this kind of stuff it was very interesting so ye Mickey Hutton and all I remember these names main dekha nahi unka show I can imagine dude because on 13th June 2012 you were at canvas doing traveling pants oh on a Wednesday night at an 8:30 p.m. slot So cool, man. Dude, उस टाइम पे literally you fucking announced the show, okay? You announced the show on Wednesday because उस टाइम पे क्या चल रहा था कि Saturday को अगर तुम show करो, then you are like it's automatically almost sold out. So you're like fuck it, let's do Wednesday because Saturday Sunday को corporate मिल रहा है या college show मिल रहा है. Fucking Wednesday show is also like 250 tickets sold and fucking 260 and you're like what is happening, dude? It was madness.
Sensual seduction. Every Saturday. This is the club that used to be above Canvas called Canvas Club. Oh yeah, wo. Wo khoya khoya chand gana wahi shoot hua hai na. ऐसे obscure facts काफी काफी सारी कॉमेडी चीजें एक्चुअली यहाँ पे शूट हुई है. A lot of AIB's earlier stuff was all shot here. Yeah. AIB at the movies. Man, I miss the club, man. कुछ भी बोलो ऐसा फील आता था ना उधर परफॉर्म करने को. ऐसा नहीं आता था बस फील बहुत मस्त था. बहुत. No, वो तो यार dude, the weekend used to sort like at least 10 minutes of material. I swear. And just like just the feeling of doing. गुड़गांव में कितने 6-7 शो होते थे ओवर अ वीकेंड. दो फ्राइडे दो सैटरडे संडे फिर उधर नोएडा में जाके ओपन माइक कर लो जल्दी वाला कहीं और जाके स्पॉट कर लो. मैन वीकेंड्स आई विल मिस मैन. आई डोंट नो व्हेन दैट कल्चर विल कम बैक और इफ इट विल कम बैक. आई डोंट थिंक वी हैव इनफ क्लब कॉमिक्स टू सस्टेन दैट कल्चर आल्सो एनीमोर. या इट वाज यूज्ड टू बी इतना प्रेस्टीज की चीज कि यू गेट अ सैटरडे फर्स्ट 10 मिनट्स एंड फ्रॉम देयर इन योर करियर यू विल बी वर्दी इनफ टू गेट अ हाफ एन आवर. मेरी इतनी बेइज्जती की उन्होंने कभी नहीं दिया. ठीक है बहुत बेसी थी कि उन्होंने कहा ग्रीन रूम में मत बैठो. लाइक इट यूज्ड टू बी लाइक अ ग्रीन रूम में यू कैन गो टू द ग्रीन रूम या एंड देन बाय द टाइम यू मेड इट टू द ग्रीन रूम यू रियलाइज इट वाज जस्ट लाइक काउचेस विद सिगरेट स्टब्स इन देम लाइक इट वाज जस्ट बट इट वाज सो वर्थ इट डूड. यू नो आई हैव दिस थ्योरी टेल मी इफ यू गाइस इफ दिस मेक सेंस टू यू. ओके अभी देख अभिषेक गया वापस चंडीगढ़ बराबर. अभी मेरा दोस्त है पूना का वो वापस गया पूना नासिक का नासिक. सब लोग अपने अपने होम टाउन में चले गए. ज्यादातर लोग जो कॉर्पोरेट जॉब वाले वो लोग सब अभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी टीसीएस बोल दिया 75% वर्क फ्रॉम होम बाय 2024 लेटेस्ट. तो बाय थिंक 2022 तक हो जाएगा. अभी मेरा सीन ये है कि अगर सब लोग अपने होम टाउन चले जाएंगे या फिर जब मुंबई में या फिर दिल्ली में रहना जरूरी नहीं रहेगा तो सब लोग अपना अपना जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. व्हाट दैट विल डू इज that it will create way more towns for us to tour. Like not for you Abhishek, you can go anywhere and sell like 600 tickets, but like if I go to like a Indore, I have an upper limit of 60-70 tickets. I think that will double or triple in the next couple of years because of this. There's people returning to their towns. Yeah, because people will stop living in big cities. So a lot of those tier 2 and tier 3 cities, towns, they will start getting a sudden influx of population that was first in the bigger cities. तो कॉमेडी ऑडियंस भी आएगा ना वहाँ पे जब वो लोग वापस जाएंगे तो. We all agree with you, Akash. Great theory. Now, Akash, you're the theory like मैं अभी कोविड सॉल्व करने वाला है. I have figured out the theory. Dude, here's a question. तो सबने कॉमेडी स्टोर में शोज किए थे. Do you remember the kind of lineups that used to have, dude? I remember there was repeated weekends. Where the lineup was me, Tanmay, Vipul Goel, then me, Tanmay and Aditi Mittal. And you had to compete on figuring out ki host kaun karega aur headline kaun karega. And nobody gave a shit. It's just like, aaj mera mood hai ye karne ke liye. And the level of like I don't know who made this joke about Tanmay, which makes complete sense. Where they're like, jab sare comedians aate hain ek, one by one on stage, it feels like, haan, theek hai. And then Tanmay comes and suddenly it's zoomed in. Because Biggie is, and you suddenly focus more. I'm like, that's a very interesting thing. But it was great, man. Seeing Tanmay like trying to kill it and everybody trying to like outdo each other. It was very interesting. I never had that choice. I was always made to host. ये मेरे को पता नहीं था ऐसा अलाउड है. मेरे को तो बोला जाता था कि तू होस्ट करेगा. और एक्चुअली मेरा लक सही था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया 2017 में तभी आई वाज होस्टिंग ऑन अ संडे व्हेन इट वाज मी निशांत तनवर एंड विपुल गोयल ऑन द लाइनअप. एंड यू कैन इमेजिन पूरा 330 फुल सेट भरेला एंड बोथ विपुल एंड निशांत तनवर वर लेट. सो दैट वाज द ओनली टाइम आई थिंक व्हेन अ होस्ट गॉट टू डू 35-45 मिनट्स इन अ शो. हमें तो Never really. लेकिन मैं Habitat का वीकेंड दिया था मैंने तुझे लेकिन Habitat वो तो क्या दिन थे. ओहो Habitat was like when the comics approved you. Yes. You are a comic. Yeah. But then Gaurav Kapoor is still Gaurav Kapoor is still giving money. I don't know why he's giving 200 rupees to get on Super Chat. Gaurav just WhatsApp me. Don't waste your money. WhatsApp pe. Bhai. Kaise?
इस शो का ऑडियो फाइल देखूंगा तो सारे वेरिएशंस आकाश के ऑडियो में ही होगा. That's just a comment. Upamanyu, somebody has a question, which is that Dhyanesh Make says, why don't you guys open up in Mumbai and start a new company by the name of West India Company? Congrats, man. Good joke. Yashraj Kharbanda, great name. He's given $7. Upamanyu was eagerly waiting for your Toronto show. Bro, I need some guidance from you. If possible, please check my message on Insta. It's like Insta mein message dekhne ke liye rishwat de rahe hain. Kya naam hai? Yashraj Kharbanda. Karta hu main. Aaj karta hu. Hey, to there are. Haan, no, sorry. Haan, Upamanyu, you were saying something. Haan, please go ahead. नहीं नहीं शोज तो मेरे वो तो यूएस वाले मेरे सारे शोज कैंसिल हो गए, पर मेरी एक किस्म अच्छी है कि मेरा वीजा 2022 तक का है. ओ शॉर्ट सीन्स वो भी ओवन, तो बस मैं फ्लाइट लेके जाके करके वापस आ जाऊंगा. एवं बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत सही हो गया उस मामले में मेरा सीन सेट है. और एक बार डॉलर में कमा लिए फिर तो. मुझे विपुल गोयल ने थोड़े दिन पहले फोन करके बताया कि यार लोग पागल हैं, इंडिया में शो कर रहे हैं, हम यूएस में करते हैं, $10 की टिकट 10 भी बचेंगे तो $100 मिलते हैं. मैंने कहा डॉलर में कमाना थी तूने, तूने डॉलर में प्राइस रखा था आकाश, कितना प्राइस था टिकट का? डॉलर प्राइस कितना प्राइस? टिकट्स गो बिटवीन 15 to 20. ओ क्या बात है, इतने तो इंडिया में कभी नहीं. हां बट आई थिंक इंडिया में इट डिपेंड्स, लाइक इफ इट्स रॉन्ग देन इट्स 750 प्लस जीएसटी. So then it comes to something around 1,000-1,100 only. Oh yeah. 20% लग जाता है ना, I think कुछ तो वैसा कुछ है मतलब तो it's kind of I mean and it's like तो फिर कितना और सस्ता करूँ ऐसा भी लगता है. तो I think plus अभी first specially का एक round है, अभी देखते हैं next special कर भी सकते कि नहीं, because वहाँ पे खुलने लगा है सब यार, तो लोग online shows के लिए नहीं आएंगे थोड़ी देर में. अब are you guys being like productive during the quarantine? Productivity क्या रहा है? ये मिल गया कि यू फिनिश एवरीथिंग यू हैड टू, फिर जब खुलेगा तो फिर सब बेचना ही है बस ये, तो वो तो चल ही रहा है लाइक ईमेल पे और ये सारी चीजें. इफ यू लाइक हैव रिटन एंड एक्सपीरियंस है तो मिल ही रहा है काम पे. That's why, because I always wanted to invest in both stand-up and writing. Because मुझे पता था कि कुछ सालों तक तो नहीं मिलेगा पैसा stand-up. वो भी घर से बैठे-बैठे. से बैठे-बैठे काम हो. मैं तो छोड़ दिया है इस बार. मैं सोचा था कि जब से यहाँ से बाहर निकलेंगे screenwriting सीख के निकलूँगा मैं. 2-3 फिल्में बना लूँगा बाहर निकलते तब तैयार है. और पता है by the way Netflix and these Netflix कह रहे हैं special कर लो. तो मैंने कहा कब? कह रहा है जनवरी में. मैं कहा आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, पता है आपको? तो ना लाइक इट्स प्रॉपर लड़ाई होगी देयर. लाइक मैं तो देखो अभी आप भूल जाओ, अभी अगले साल देखेंगे. तो कह रहे हैं हाँ सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट भेजा उसमें भी जनवरी लिख दिया. मैं कहा आप लोगों को पता है अभी हमारी बात हुई थी उसमें क्या मतलब है? लाइक दो कर लो. मैंने कहा दो कर लो, अबे एक की बात नहीं हो पा रही. देन दे वाला दिसंबर तक हो सकता है, एक महीना और कम कर दिया. व्हाट आर यू डूइंग? दिसंबर तक कैसे कहां शूट करेंगे हम? घर में मेरे मैं लाइक देख लो हो जाएगा. ज्यादा टाइम भी लगाना नहीं चाहिए स्पेशल तैयार करने के लिए, अच्छा नहीं लगता इतना टाइम लगाओ तो. तुम लोग यार तभी तुम्हारे स्पेशल ऐसे हैं. चंडीगढ़ शॉट मैन, चंडीगढ़ शॉट स्पेशल, नेटफ्लिक्स चंडीगढ़ शॉट स्पेशल फर्स्ट एवर. चंडीगढ़ में बहुत मजा आएगा. 200 सीटर में 40 लोग. बाय द वे हैव यू सीन चंडीगढ़ क्लब, लाफ क्लब? I've seen photos. I've not seen. Oh, it's very good. It is very good. वो 100 सीटर वाला जो है ना? हाँ. It's some 100 सीटर नो? It's 150 सीटर. हाँ हाँ very nice. But it's very, like it's like proper ऐसा रहेगा आपको US के comedy club में आओगे. It's beautiful. मेरी इनफैक्ट मैंने एक जो वो मैंने एक clip छोटी सी clip निकाली थी वहाँ की है. बहुत ही सही है यार वो club. अरे dude seeing that clip only. I saw that clip and I messaged my manager. I'm like ये कौन सा room है? And he's like मुझे नहीं मालूम. I'm like this is your job to know which room this is. मुझे नहीं मालूम. And then I said to मानव अवस्थी. हाँ ये मानव अवस्थी जो है. अरे ये कहाँ के चले आते बच्चों को रखा हुआ मैनेजर यही होगा ना. साला ढीट की कुछ मालूम नहीं है इसको, पैसा कमाते रहता है सुपर चैट में मेरा 15%. अः
But yeah, that's a great room. Let's talk about some. So, are you doing a Netflix thing or what? नहीं अभी तो मैंने फिर मैं एक्चुअली मेरा प्लान ये है अब कि मैं क्या करूंगा कि अपना स्पेशल खुद शूट कर लूंगा पहले और शूट करके रख लूंगा उसके बाद आई विल स्टार्ट सेलिंग. मैं कहा मेरे पास तैयार पड़ा है तुम बस अपलोड कर दो अब जिसको करना है वो कर ले अगर कोई नहीं माना तो मैं खुद ही फिर या तो मैं उसके काट के यूट्यूब में डाल दूंगा या फिर मैं ऑडियंस को डायरेक्ट भेज दूंगा 800 रुपए. You know what Jim Gaffigan did? I thought it was a very great idea. Jim Gaffigan, he exactly aisa hi kiya. Usne apna pura special record karke rakh diya. Then he released it on his website for $5. To wahan par jo uske hardcore fans hain, un log ne khareed liya. And then 7 months later, he released the same. He sold the same thing to Amazon. That is fantastic. And I'm like genius plan, man. Yehi to case study. Jim Gaffigan ka har platform pe ek special hai. Haan. Uska YouTube pe bhi hai, Amazon pe bhi hai, Netflix pe bhi hai. उसने हर जगह और खुद की वेबसाइट पे भी है. अब बस जी टीवी सोनी मैक्स इस पे आने वाला बता रहा हूं. जिम गैफिगन बहुत सही है. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट्स हां नहीं गो अहेड बोल बोल. नहीं सॉरी मैं बोल रहा था YouTube पे भी उसने बहुत क्लिप्स चलती हैं. हां अभी सडनली ही इज लाइक पुटिंग अ मायामी एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज लाइक दिस इज वेयर लाइक दीस पीपल आर स्मार्ट वेयर इट्स लाइक तो ही शॉट समथिंग इन फ्लोरिडा और बस एक एंगल से साइड से तो यार लाइक एक एंगल से कौन देखेगा. और शुरुआत में 30 सेकंड के लिए दिस अमेजिंग एनिमेशन तो यू लाइक वाह इतना अच्छा वीडियो एंड देन देयर इज जस्ट वन एंगल फॉर द रेस्ट एंड यू लाइक वेल डन यू मिसलेड मी नाइसली. सो ओके दिस लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूज़ रिलेटेड थिंग्स. आर यू गाइस फॉलोइंग दिस होल बॉयकॉट चाइना मूवमेंट एंड ऑल. अरे भाई रोज मेरे को मैसेज आता है कि हाउ कैन यू यूज चाइनीज ऐप Zoom फॉर योर शो. दैट्स बिकॉज़ द गाय हु इन्वेंटेड द Zoom का ऐप इज अ चाइनीज गाय हु वाज बोर्न इन अमेरिका एरिक चैंग क्या कुछ है. अब उसमें वो लोग चैंग पढ़ के चढ़ गए मेरे सर पे कि कैंसल करो शो तुम्हारे शो सब वीडियोस रिपोर्ट कर देंगे ये वो. बाय द वे चाय चाइनीज ने निकाला था छोड़ दो चाय पीना. नहीं वो तो नहीं अब चाय हमारी है. चाय वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज पीपल एंड देन वी एवरी पर्सन कमेंटिंग टू से बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स इज डूइंग इट ऑन समथिंग मेड इन चाइना. सो आई थिंक इट्स अ रिडंडेंट आर्गुमेंट. Like, कुछ नहीं तो तेरे फोन के अंदर का ट्रांजिस्टर चाइना में बना है. Like, there's no way around it anymore. That's how globalization works. You can't just boycott China for sub product. तो नंगा घूमना पड़ेगा mostly. Makes sense. You know, ऐसा नहीं होता है. ये सब पागल लोग हैं. बस reactionary measure है. कुछ भी हो गया चढ़ जाने का. ये कर दो. My two favorite things in regards to boycott China was Arshad Varsi. Okay, who I really genuinely like. Arshad Varsi put out a tweet saying, "From today, I will stop using." Made in China products and under it it said tweeted from iPhone. अरे ये कौन है? अरे कौन है? 200 रुपए देके. अरे 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 अरे. Surprise entry. What is up? इतना ज़्यादा. अब कोनी का juice पी रहा है आजकल देखा है बड़े. क्या चीज? Juice बहुत बना रहा है आजकल तो देखा. ओहो. क्या करे भाई यही हो रहा है सबके घर में और क्या हो रहा है. और आज मैं घर के अंदर. तुम्हें पता है सूर्य ग्रहण चल रहा है. हाँ. हाँ तो भाई मेरे को तो बंद कर दिया है बीवी ने कि बाहर नहीं जा सकता कोई. भाई सारे उसको कहीं से तो फोन आया कि सारे पर्दे बंद कर दो अभी 4 घंटे खाना नहीं खाना और बाहर नहीं जाना. तो कह रही कमरे के बाहर नहीं निकलेगा. नहीं खाना क्यों नहीं खाना 4 घंटे के लिए. कुछ तो है उसमें नहीं खाना पता नहीं क्या है. वो सब सूरज इज एक्लिप्स ना तो उनको लगता है कि सब जीवात ज्यादा रहता है दुनिया में ऐसा कुछ रहता है पता नहीं भाई क्या है. तो मैं तो खाली भाई 3-4 घंटे तो फॉलो कर लेता हूँ. क्या चल रहा है गाइस? गाइस रेंट इतना पड़ रहा था उधर फालतू कुछ काम ही नहीं. मैं रहता मैं 10 दिन रह रहा था मुंबई पहले तो और अब तो क्या ही करता कुछ नहीं तो इधर ही आ गया फिर मैं. आज ही ओपन करने शो होता है तो मैं तो आ जाऊंगा. मैं गुप्ता को ले आऊंगा. एक काम करते हैं हम यहाँ से गाड़ी में आ जाएंगे ना अपनी. नहीं तो क्वारंटीन हम किसी के घर जाएंगे नहीं. हम शो करके वापस आ जाएंगे. अपने घर बुलाना भी नहीं मैंने. हम शो के हिसाब से निकलेंगे भाई. तेरे शो से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे साउंड वाउंड चेक करके ओपन करके वापस आ जाएंगे. बेस्ट बेस्ट. वरना तू शो खुद का भी रख सकते हो यार. पहले कर लेना तेरा देखते कैसा होता है.
कल को किसी को कोरोना हो तो हमारे शो में नहीं होगा ना, तेरे में होगा। तो नाम तो तेरा है। उनको मास्क तो पहनाना पड़ेगा क्योंकि वरना उनके हंसी के फवारे मेरे मुंह में आएंगे। नहीं बट यू कैन जस्ट बी फार ना, मास्क हटवा के करेगा तू? नहीं नहीं मास्क तो पहनना पड़ेगा उनको। ये तो पर देखते हैं फिर हंसी के मास्क पहन के। हां मतलब तो तू ऑडिटोरियम, हां तो तू ऑडिटोरियम में करने की सोच रहा है कि नॉर्मल ऐसे? नहीं वो क्लब है, चक्कर क्लब है ना, लाफ ग्राउंड टाइप में, लाफ क्लब में। एक तो वहां पर कुछ इंद्रधनुष या कुछ ऐसा कुछ है ना, कुछ ऑडिटोरियम 1000 सीटर का। इंद्र क्या था? आप टेंशन मत लो, हमारा पूरा ग्रुप है यहाँ पर, ये वो। आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट, लाइक सर आपको कुछ प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट, अ लाइनअप ऑफ 4 BMWs पिक मी अप एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट। आई एम लाइक ओहो पैसा। And I'm like, yeah, ticket kitne bike? He's like, sir, 83. I'm like, 1000 seater mein 83. So panic, I put out tweets saying, please, everybody come for Chandigarh show. I like literally last minute sold like 40 tickets. I'm like, thank God. Like, it is, have you ever performed in a room where it's like 1000 people? इस कोने में कोई बैठा, यहाँ पर कोई बैठा, तो laughter is coming like. अरे उन्होंने ना उन्होंने पिछला शो सिद्धू मूसे वाले का कराया होगा, वो 4-5 BMW वगैरह के बिना निकलता नहीं है एयरपोर्ट से, तो उनको लग रहा होगा सारे आर्टिस्ट का यही सीन है। ये कॉलेज शोज में बहुत होता है, where they like apologize to you saying sir I'm so sorry पर आज सिर्फ होंडा सिटी अरेंज हो सकती है, and I'm like bro मेरे को वैगनार भी चलता था वैसा, कोई चार पहिए होने चाहिए बस, दरवाजे रहेंगे तब तक मेरे को टेंशन नहीं है। it's like तो गौरव तू दिल्ली में कर क्या रहा आजकल, what are you doing these days? अरे मैं एक्चुअली दिल्ली में भी नहीं हूं, मैं फरीदाबाद में हूं। मेरे घर वाले रहते हैं, घर पास राइड करता है दिल्ली में, समझ लेना तुम फरीदाबाद। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी ज़ूम वूम शो डाले हुए और क्या कर रहा हूँ, वही सब कर रहे हैं और क्या। वो भी अभी 2 हफ्ते शुरू करा है, वरना तो 3 महीने तो बहुत ही खाली गए थे यार, एकदम पागलपना से सवार हो जाता था कि क्या ही करें। Yeah. नहीं तो which comedian did you speak to where you realized like I remember कि मैं ज़ूम पे शोज नहीं कर रहा था, then I spoke to Akash, then I spoke to Atul, then I spoke to Vipul and Amit Tandon and they're like हाँ हाँ we made this amount of money, I'm like हाँ ऐसा है? पैसा नहीं, मैं मेनली मैंने ना देखे, मैंने देखा था जूम पे शो करे भी थे, बहुत गंदे गए थे मेरे तो, मतलब ऐसा मेरा गला ही सूख गया है, इतना कंठ मतलब होता नहीं यहाँ से एकदम कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा वैसा। फिर मैंने विपुल का शो देखा, विपुल ने तो प्रॉपर डिस्ट्रॉय करा था, मतलब उसने तो लाइव शो जैसा ही शो कर दिया था एकदम। विपुल कब डिस्ट्रॉय नहीं करता है डूड। अरे नहीं पर जूम पे ना भाई मेरे को यकीन नहीं हुआ, मतलब उसका लाइव शो ही था, उसका कुछ और था ही नहीं, एकदम प्रॉपर किल हुआ है। तो मैंने कहा करके देखते हैं फिर, तो फिर ठीक है, फिर तो ठीक ठीक ही हो जाते हैं एक्चुअली। यार मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है कोई रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ वो एक इशू है पर पता नहीं। My point is वो रिकॉर्ड करके कहाँ डालेगा? नहीं डाल सकता। तू put it on YouTube only नो। Actually पता है क्या डाल देगा? मैं बताऊँ मत कर क्योंकि तेरा बस्सी जिनकी ज्यादा ये यंग ऑडियंस है ना 17-18 साल वाले पागल बच्चे ये ज्यादा कर देते हैं 19 साल वाले, जैसे मेरे तो आते ही 30-35 किया तो वो कम करते हैं, पर ये 13 बस्सी का और तुम दोनों का चांस तो बहुत ज्यादा है रिकॉर्ड करके डालने का। उपमन्यु तो खुद का ज़ूम रिकॉर्ड कर दे और फिर बाद में यू हैव दैट रिकॉर्डिंग। हां वो तो कर सकता है, तो तू यू कैन कीप चेकिंग इफ समबडी इज अपलोडिंग, बट वो स्क्रीन ग्रैब कर लेते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। नहीं वो सही है, मैं इसका लाइव करता हूं 10 मिनट बाद देखता हूं YouTube पे वो। मैं कहा अबे हां मत कर, मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूं यार, प्लीज उपमन्यु तू मत कर फिलहाल। हाँ यार हम लोग को थोड़ा बेचने दे टिकट, लाइव शो करना करना भी है तो 3 महीने बाद कर, अभी नहीं 3 महीने हमें करने दे, करना भी नहीं है, लाइव शो करूंगा सीधा। अरे कर बहुत फन है, मजाक नहीं पर एक शो करके देख खूब मजा आता है सच बता रहा हूँ। हाँ मुझे उस दिन विपुल गोयल ने फोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि शो कैसे करना है, उसने 45 मिनट लगाए बताने में और उसमें से मैंने बात की 3 मिनट। अरे विपुल ने रुकता, विपुल ने मेरे से रात को 1.5 घंटे बात करी एक दिन, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा अच्छा कह रहा है, अच्छा क्या मैं तेरा सीनियर कॉमिक को बात कर भाई बिल्कुल नहीं रुकता यार। मुझे एक दिन पहले मैं उसे बोलता, मैं कहा बिल्कुल सर आप बिल्कुल सर, फिर बाद में मैंने कहा सर बिल्कुल सर, कह रहा आप क्यों सर बोल रहे हैं, आप तो सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो गए मुझसे। ए बट गौरव आई गॉट टू आस्क यू दिस, तो मैंने 2-3 कॉर्पोरेट शोज किए थे एंड 2 सेपरेट शोज आई हैड समबडी कम अप टू मी एंड टेल मी कि गौरव कपूर मेरा रूममेट था। And मैं मुंबई में एक तो तेरे को फोटो भेजा मैं, मुझे जिसके साथ मेरी फोटो नागेश, आई नो नागेश का। हां
हाँ, and then somebody else also claimed to be a roommate. अबे कितने roommate थे तेरे life में? यार मैं मुंबई का roommate हूँ तू जो लोगों को अपने identity का part लगता है वो. Show के बाद जाके बताना चाहिए. पर मैं बहुत लोगों के साथ रहूँ ना मुंबई में, मैं तो चार चार पांच पांच लोग रहते थे साथ में, और मैं तीन बार चेंज करे रूममेट, तो मेरे 12-13 रूममेट तो घूम रहे कहीं ना कहीं. Okay, we'll take two super chats which are there. Vinay RK has given euros. Are five euros he's given. Surya Grahan will kill the coronavirus and everything will reopen tomorrow. Very positive attitude. This is not a master stroke. This is a master beam. Wow. And somebody said we were supposed to do a show in April, Mad Max Yoda, and he's given 40 rupees. Yeah, 40 rupees ka kaun sa show? That's not worth answering if that's the amount you're giving. उसको जो पहला आया उसने वही कर दिया, वो उसने अपने मन से 40 नहीं डाला. अच्छा, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव, लेट्स आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बॉयकॉट चाइना थिंग, मैन इट्स वेरी फैसिनेटिंग. इज देयर एनी न्यूज़ दैट इज स्टक आउट फॉर यू गाइस? अभी रिसेंटली कुछ पढ़ा है, यू आर लाइक ये क्या चल रहा है? आई जस्ट नो कि दिस इज नॉट रीसेंट, ये पहले हुआ था. दैट पहले भी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, देयर वाज अ रेस्टोरेंट नियर वेयर आई यूज्ड टू वर्क, और वो रेस्टोरेंट चाइनीज रेस्टोरेंट था. दूसरे दिन इट वाज अ मुगलाई रेस्टोरेंट, लाइक दे चेंज्ड द बोर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट. It's not Chinese, it's Punjabi. I'm like, wow, kya smart hai ye log. Hey, par abhi kisi politician ne bola na, this was, I don't know, I forgot his name, yaar. Wo jo daadi wala rehta hai, which is very vague. I mean, you can't say daadi wala politician. People like, haan, Ramdas. But he said this, he's like, we should stop Chinese restaurants in India because it's promoting their culture. ये क्या ना, वो मेरा भी रीचिंग डूड. चाइनीज रेस्टोरेंट जितना हम तो कल्चर मार रहे हैं ना, उतना कोई नहीं मार रहा है इस देश में. चाइना का कल्चर मारने में चाइनीज रेस्टोरेंट का ही हाथ है. शायद अगर हम लोग चाउमीन बनाना बंद कर दे तो वो लोग अटैक करना छोड़ देंगे. अरे ये सब यार जब होता है चालू ना तो उसके आसपास चलते हैं. तो आकाश बैनर्जी, आई वाज स्पीकिंग टू यू गाइस, तो आकाश बैनर्जी, तो उसने ही मेड रेज वेरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. ही लाइक सब लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइना बॉयकॉट करो, प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करो, बट इंडियंस फॉरगेट कि हमारा भी उनके साथ एक्सपोर्ट चल रहा है, व्हिच इज अबाउट 3% ऑफ आवर एंटायर जीडीपी, एंड दे आर लाइक, यू अंडरस्टैंड इट्स अ टू वे स्ट्रीट, लाइक इट्स नॉट लाइक यू जस्ट बैन इट एंड देन यू आर डन. माय फेवरेट थिंग वाज एबीपी न्यूज. एबीपी न्यूज ने पूरा एक न्यूज किया 1.5 घंटे के लिए, दे आर लाइक चाइना ये वो ये है. And 15 minutes later, they had 3 back-to-back ads with Chinese products. And people are like, "Tumhari advertising or editorial se baat nahi hui na? No coordination." Oh, anyway, guys, thanks a lot for doing this. Any, haan, nahi, go on. Haan, bol na. Sorry. मैं कह रहा हूँ चाइना नहीं, लोग कह रहे हैं Zoom को ही boycott कर दो. Zoom तो Chinese है भी नहीं. बस उसके owner का नाम Eric Yuan है, तो लोग कह रहे हैं boycott करो बहन. तू मित्रों आप try किया क्या? Has anyone tried? नहीं, go ahead, sorry Akash. I think it's like I think एक हफ्ते बाद सब sort हो जाएगा. Also I feel like from what I've understood कि वो जो वो लोग का बंदा जो है, जो president prime minister जो जबरदस्ती बने लाया है, उसका अभी बहुत उधर बुरा time चल रहा है. Like you know he recently amended the laws so that he can stay in power and that has caused a lot of problems. So he's basically doing what Indian governments do whenever there's a problem. Like where Indian governments will be like, oh, देखो देखो ये पाकिस्तान वाले लोग हमें क्या कर रहे हैं, and then divert attention. तो ये लोग भी वही कर रहे हैं कि हांगकांग में देख, वो लोग ने वो अपना रूल एक्सटेंड जल्दी कर दिया, वो लोग बाद में आने वाले थे, फिर इंडिया में ये लोग नाटक कर रहे हैं, ताइवान के साथ नाटक कर रहे हैं. सो इट्स जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट हिम सॉर्टिंग हिज शिट आउट, और उसके कारण अपने लोग बार वायर से मर रहे हैं. क्या किया, फिर बेसबॉल बैट पे वो बार वायर आ रही और इंडिया वालों को मार दिया, फिर इंडिया वालों ने मार दिया उनके. ये सब हुआ है. अरे रॉड्स पे मतलब नेल्स लगा दिए तो वो मार नहीं आए थे. हाँ, और डूड पर वो लोग ने अपने POW रिलीज किए 10 यार, तो वो कहाँ से आए? पहले तो बोला ही नहीं गवर्नमेंट ने कि POW थे, मतलब POW नहीं पर जो भी कैप्चर्ड लोग थे अपने. वो तो काफी काफी सारा ड्रामा है डूड, काफी सारा चाइना ने यार पता है, समबडी वाज टेलिंग मी लाइक सितंबर अक्टूबर में ही दे स्टार्टेड गेटिंग कोरोना केसेस बट दे हिड इट,
And the way they found it was they were like a lot of car parks outside hospital, and they looked at all the Google searches that people did during October, November. Where everyone was like, we are getting dry cough, shortness of breath. What does it mean? So उन्होंने छुपाया तो बहुत टाइम से तो हरकत है तो उन्होंने बहुत हराम पना तो किया ही है थोड़ा सा तो मुझे लगता ही है as a वो तो शुरुआत में they had to stop that doctor ना एक डॉक्टर ने बोला कि this spreads through not social distancing or whatever तो this suppressed him हाँ but the Russia is on another level यार एक तो एक तरफ तो ये चाइना का चल रहा है कि मालूम नहीं कि कितने लोग मरे हैं वहाँ पर and Russia is on another trip यार and I keep forgetting how big Russia is like कई बार मैं अपने बेटे के साथ वो world map देखते हैं I'm like fuck इतना बड़ा Russia and so they killed like three doctors back to back and threw all three of them from the window if you followed the story क्योंकि पहले एक डॉक्टर ने बोला कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं सब इनका जो मेडिकल चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है तो उसको खिड़की से फेंक दिया देन सेकंड गाय क्वेश्चन अगेन खिड़की से फेंक थर्ड गाय आल्सो खिड़की से फेंक व्हाट इज दिस लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन मर्डर मैन एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग न्यू खिड़की से लोग रैंडमली रशिया में गिर रहे तो किसी को अंधा नहीं है मान गिरते रहते हैं कुंग फू करके गिर जाते हैं वो छत से उनका कुछ नहीं है और भाई जब वो रशिया पता है पहले से मैं इतना मुझे वो मैप को ना ऐसे पेज पे देखने की आदत पड़ गई है तो मैं भूल जाता हूँ कि ये गोल है तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से यार यूएस बड़ा पास है इधर से जाओ तो तुरंत ही आ जाता है पूरा घूम के फ्लाइट भी आती है आई एक्चुअली वाज जेन्युइनली कंफ्यूज मैं कहा यार इतना टाइम क्यों लग रहा है यार ऑस्ट्रेलिया से यूएस जाने में बगल में तो है सिक्किम ने कहा नहीं पूरा गोल इसलिए दूर दूर है काफी You know the guy who discovered, and this is very weird that I know this about maps. मैं अपने बेटे के साथ ये सारे अजीब से वीडियोस देख रहा हूँ. Where this one guy called Marcino, पता नहीं क्या था. तो he finally figured out कि it's a globe. तो globe को ऐसे कैसे करोगे? तो he took the earth in ink, this thing in a balloon, और फिर उसने कुछ cardboard का ऐसे sphere लिया, and he blew the balloon up inside. तो उसका जो printout आया, that is what basically the map is. And I'm like, that is a fucking great fact, man. Oh, yeah. There's a whole study of scale in maps. Like, if you look at any map normally, Greenland looks fucking massive, dude. Greenland utna bada hai nahi jitna lagta hai. So it's like a scaling thing. Like, it's some weird. So things get distorted. Like, if you zoom into a border enough, then there is no border can ever be a straight line. You know what I mean? Yeah. Greenland. Uska bahut log karte hain, padhte aurte hain yaar ye sab karne mein. और फिर हम लोग ओके लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग दैट यू आर वाचिंग ऑन द इंटरनेट राइट नाउ मतलब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने सोचा कि भाई मैं बहुत इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखेगा एंड आई विल इंप्रूव माय इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट स्टफ एंड द वीडियोस आई एम वाचिंग आर गाय क्रशिंग थिंग्स विद हाइड्रोलिक प्रेस एंड एक एक बंदा है वही एज अ एक्वेरियम और उस एक्वेरियम के अंदर वो पहले कॉकरोच डालते हैं फिर उसके साथ ही पुट्स अ ग्रास हॉपर टू सी हु किल्स हुम दीस आर द वीडियोस आई एम वाचिंग व्हाट द फक आर यू गाइस वाचिंग मैं तो यार आजकल मैं शोज देखा यार बहुत शोज देख लिए मैंने मैं तो वो देख रहा हूँ ढोलकी वाले वीडियोस मान कसम मैं ढोलकी लेके आया हूँ लॉकडाउन के बीच में जाकर के मैं ढोलकी सीख रहा हूँ आजकल मैं लाफ डांस देख लिया लाफ डांस बहुत ज्यादा अच्छा है वो थोड़ा वियर्ड नहीं लगा खुद ने प्रोड्यूस किया खुद के बारे में ही और फिर थोड़ा सा पता है उस लाफ डांस का बेसिक वो ये है कि माइकल जॉर्डन को ना तुम उसका ईगो नहीं हर्ट करना यही हर एपिसोड में उसमें कि इफ यू से दैट टू माइकल ही विल इफ यू तुमने उसको चैलेंज मत कर देना फिर वो स्लैम डंक पे स्लैम डंक मारेगा बस उसको कुछ मत बोल देना हर एपिसोड में यही है हर एपिसोड और ओवरऑल अगर कुछ ना भी बोला हो तो वो इमेजिन कर लेगा वो एक्चुअली उसको सच में प्रॉब्लम पता है ही एक्चुअली इमेजिन सम गाय सेइंग थिंग कि उसने मुझे ये बोला एंड लेटर ऑन 10 इयर्स लेटर ही लाइक एक्चुअली ही डिडंट से या वो बस उसने इमेजिन किया ताकि उसको गुस्सा आए तो मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी कॉमिक ने मुझे बोला तेरे जोक्स बड़े घटिया मैं कहा अच्छा ये गौरव कपूर मुझे बोलेगा मैं जोक्स घटिया अब बताता हूँ बहन चोक को अब ऐसे हम भी काम करेंगे अब ताकि दूसरे का अभिषेक उपमन्यु डॉक्यूमेंट्री द लास्ट लाफ उपमन्यु वैसे कमिंग टू एन ओटीटी प्लेटफॉर्म नियर यू बट नॉट बिफोर दिसंबर तो सही बोला All the time. मेरे को तो यार तेरी आवाज़ बहुत फनी है।
बहुत लोग मेरा आपका जो एक्सेंट है ना, एक्सेंट में मजा आ जाता है वो मुझे गौरव कपूर ने कहा था कि ऑल्ट करने की जरूरत क्या है पहले मेनस्ट्रीम तो कर लो कब बोला मैंने करके कब बोला बोला होगा शायद यार तूने बोला था तू बहुत ड्रंक था तो तू तो माफ है ना नहीं क्यों माफ है बोल दिया होगा यार क्या कर सकते हैं वैभव सेठ ने एक बार मुझे बहुत ऑनेस्टली कुछ कहा था वो बहुत फनी था क्योंकि वैभव सेठ इंसल्ट नहीं कर रहा था बस ऑनेस्ट था जैसे पता है व्हेन यू डोंट हैव अ गुड सेट यू गो टू द ग्रीन रूम एंड आस्क द कॉमिक्स यार इतना बुरा नहीं गया था ना लाइक टू प्रोटेक्ट योर ईगो यू आर लाइक बुरा था नहीं बुरा था तो वैभव ने कहा यार बहुत ही घटिया गया था मतलब इतना घटिया था तक मैंने नहीं देखा यू हैव नो कनेक्ट विद द ऑडियंस जीरो कनेक्ट दे हेटेड अच्छा ठीक है बहुत Okay, here's a question. This is the last question that we'll head. Arna Banerjee says, how are you guys dealing with depression? Is anyone dealing with depression or? Not dealing with depression. Or sadness. Sadness, both. People use the word depression very freely. Let's just say, how are you dealing with lockdown? Yes, how are you doing? I'm in the fitness, so I'm doing great. You're doing a workout? Huh? Workout every day? Yes. My meaning is that यार एक्चुअली शुरू के दो महीने तो बहुत दुखी वाला सीन था पर अभी जब से शो वो डाल दिया है ना तब से थोड़ा सीन एटलीस्ट वो होता है कि सैटरडे संडे कुछ देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू हां इट्स द सेम वेट इट्स द सेम वेट सेम ये सही है ये 5 किलो वाला है 5 किलो वाला है नहीं 7.5 5.5 और 10 मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है पता है मैं कल लेके आया हूं अच्छा मेरा दो महीने के बाद आया नहीं आ रहा है कहीं भी नहीं है भाई ऑनलाइन सब बॉडी बना रहे 5 किलो ऑनलाइन नहीं है ऑनलाइन मैं लेफ्यू 8 किलो तो मैं उसको ही उठा लेता हूं बस मैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लिया है वो ऐप रोज का बताती है आज ये वर्कआउट कर दो मैं कर देता हूँ खुशी खुशी हाँ मैंने भी एक ऐप ही डाउनलोड किया उससे हो रहा है ट्राई भी करके वो जो बोलते हैं रोज मैं वही कर लेता हूँ बस उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा वरना मेरे को लगता है वर्कआउट इसलिए लोगों का नहीं हो पाता बंदे को अगले दिन की एक्सरसाइज ही नहीं पता होती सही बात है तू करने क्या करना तो तेरे को तीन ही याद आएंगी पुशअप कर लो क्रंचेस कर लो और स्क्वाट्स कर लो और गए लो हेलो यू वांट टू से हाय हियर यू वांट टू लिसन देख हाय कैन यू हियर हेलो फ्रेंड ये लोग अभी मैडागास्कर देख के आए हैं दे आर बोथ वेरी एक्साइटेड इन लाइफ ए इन लोगों को तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि स्कूल की छुट्टी सब बंद हाँ ये सर पे बैठे हुए कब से इट्स वेरी एक्साइटिंग आपके सर पे बैठने का मन तो बहुत करता है मेरा मन करता है आपके सर पे बैठने का मैं का अच्छा लगता पूछना भी सब सो मेरा हाउ यू डीलिंग विद इट या अभी सब ये लॉकडाउन का मेंटल हेल्थ सीन या फक तो पहले से ही था मतलब क्या ही हो गया लॉकडाउन में ऐसा कुछ खास मुझे सैडनेस नहीं लगी ये बहुत ज्यादा हो जाती तो बस रो दो और कुछ नहीं चलो डन थैंक्स अ लॉट गाइस थैंक यू फॉर कमिंग अप्रिशिएट इट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आई नो दिस वेंट ऑन वेरी लॉन्ग गौरव कपूर स्पेशल गेस्ट कैमियो अपीयरेंस ओम शांति ओम मजा आ गया Hello, thanks a lot for everybody bye. Tuning in. Thanks a lot for Super Chat. Appreciate bye. All your time. Thanks a lot, those. So take bye, care guys. Of yourself. Have a lovely day. Bye. 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 Bye.